माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तो वहां आपने सीखा होगा मिड फॉर्मूला, लेकिन क्या एक्सेस में भी मिड फॉर्मूला होता है, इनबिल्ट मिड फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, और होता है तो उसका यूज कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पर एक फील्ड आईडी डाली है मैंने और दूसरा फील्ड लिया है मैंने नेम, नेम को रखा है शॉर्ट टेक्स्ट, और यहां पर जो थर्ड वाली फील्ड है उसे मैं नाम दे देता हूं स्ट्रिंग, एस टी आर आई एन जी, ठीक है, स्ट्रिंग का ही ये फॉर्मूला है। और यहां पर एक डेटा टाइप हमें मिल जाता है, अगर आप 2016 या उससे अपर वर्जन यूज करते हैं, लाइक मेरे तरह 19 या 21 यूज करते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा कैलकुलेटेड डेटा टाइप, अदरवाइज आपको यहां पर क्रिएट पे जाके फिर क्वेरी डिजाइन पे जाके क्वेरी लगानी पड़ेगी। तो अभी हम यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019, तो यहां पर जा करके और कैलकुलेटेड डेटा टाइप हम ले सकते हैं, तो ये ले लिया कैलकुलेटेड डेटा टाइप, और यहां फंक्शन पे जाएंगे और ये फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है, यहां पर हमें मिड का यूज करना है, तो एम आई डी मिड नाम से कोई फॉर्मूला होता है कि नहीं, तो देखिए सबूत सामने है, ये मिड फॉर्मूला आपको दिखाई पड़ रहा है, यहां टैप प्रेस कर देता हूं तो ये मिड फॉर्मूला अप्लाई होने लगा है। अब हमको करना क्या है, मिड फॉर्मूला इस तरह से लगाना है कि यहां पर देखिए एक फील्ड है हमारे पास नेम नाम का, ठीक है, नेम जो है यही फील्ड में लेना है, तो ये नेम ले लिया हमने। अब हम चाहते हैं नेम के पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करके और पांच कैरेक्टर या चार कैरेक्टर मान लीजिए ये हमें दे दे, तो ये मिड फॉर्मूला यही काम करता है। तो यहां से नेम से स्टार्ट करके और फर्स्ट से लेके फोर कैरेक्टर तक ये दे देगा। आप देखिए यहां पर अगर मैं व्यू पे क्लिक करता हूं और यहां से यस करता हूं तो ये देखिए पहले से स्टार्ट किया है इसने, पी से ही सारे नाम स्टार्ट हैं, तो पहले से स्टार्ट किया और फोर कैरेक्टर्स इसके दे दिए, जैसे पीकॉक में पीई ए सी, सी तक दिया तो फोर हो गया, पर्ल में पीई आर एल, तो ये चार कैरेक्टर हुए, पंप में पी यू एम पी और पाइप में पूरा पाइप, ठीक है। तो अब इसी का दूसरा देखते हैं, तो यहां पर एक और फील्ड में ले लेता हूं लाइक स्ट्रिंग टू कर देता हूं, ठीक है, स्ट्रिंग टू किया और यहां पर कैलकुलेटेड ले लेते हैं फिर से, और फिर यहां मिड फॉर्मूले का यूज देखते हैं, तो ये मिड लगा लिया हमने। और इस बार हम क्या चाहते हैं कि नेम, जो नेम हमने फिल लिया है इसी को ले लेते हैं, ये नेम यहां पे दिया गया है, ये देख सकते हैं, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये नेम आ जाएगा, और ये एक ब्रैकेट आप हटा दें बस। अब यहां पर कॉमा देना है हमें, कॉमा देने के बाद क्या करना है, स्टार्टिंग कहां से होगी, तो दूसरे कैरेक्टर से स्टार्ट करके दो कैरेक्टर हमें दे दीजिए, ठीक है। तो दूसरे कैरेक्टर से इस बार स्टार्ट किया हमने और यहां से ओके प्रेस कर दिया और यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए, तो इस बार देखिए इसने स्टार्ट किया दूसरे कैरेक्टर से, देखिए ई और दो कैरेक्टर, ई से लेके दो कैरेक्टर कौन है, ई ए है, तो यहां पे ई ए आ गया, फिर यहां पे ई आर है तो ई आर आ गया। इस तरीके से आप मिड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फिर यहां पर आता हूं और फिर एक और बना लेते हैं स्ट्रिंग थ्री, तो ये लिखता हूं मैं स्ट्रिंग थ्री, ठीक है, और यहां पर कैलकुलेटेड का प्रयोग कर लेते हैं, अगर आप 2007 यूज कर रहे हैं तो आप क्वेरी का यूज कर सकते हैं, क्वेरी डिजाइन में जाकर के और यही चीज कर सकते हैं। कैलकुलेटेड पे आ गए और यहां पे फिर लगा लेता हूं मिड फॉर्मूला, तो ये मिड फॉर्मूला तो लग गया। अब यहां पर नेम को उठाना है, नेम को ले लिया हमने, अब हम चाहते हैं तीसरे कैरेक्टर से लेकर माइनस दो कैरेक्टर दे दीजिए, तीसरे कैरेक्टर से लेकर माइनस दो, क्या ये पॉसिबल है, आइए देखते हैं। ओके प्रेस किया और यहां से व्यू पे क्लिक किया और यहां से यस कर दिया हमने, तो ये देख सकते हैं यहां पर एरर मैसेज आ गया, एरर आ गया, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अभी फिर आ जाते हैं यहां पर और इसी को अगर मैं टू कर देता हूं, यहां पे देखिए मैंने टू कर दिया, अब इसको तो टू करने के बाद यहां व्यू पे क्लिक करेंगे और यहां यस कर देंगे तो यहां दो कैरेक्टर्स आ जाएंगे बहुत ही इजिली। तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।